की थी। हाँ ये भी ठीक है, तो उन्होंने पहली मंगनी कर ली है। आपको कैसे पता चला माँ जी? हाँ उस लड़की का फोन आया था ना, तो उसने मुझे खुद बताया। क्या बताया उसने? यही कहा वो मेरे मियाँ की मंगनी फिर बोल रही है। झूठ बोल रही होगी माँ जी, कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई होगी। मेरे मियाँ ऐसे नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनका सिर्फ चक्कर चल रहा होगा उस लड़की के साथ। हाँ? दफा करें माँ जी, आपको बुड्ढों की कमी है क्या? मुझे मेरा शोहर वापस चाहिए। वैसे सारा कसूर आपका ही है माँ जी, आप ही ने सर पे चढ़ाया है उन्हें। हाँ तो अब मैं क्या करूँ पुत्र? जो मैं कहूँगी आप वो मानेंगी? हाँ बोल ना। आप ना महमूद साहब को इग्नोर करना शुरू कर दे। तो इग्नोर करने से क्या होगा? अरे उन्हें भी पता चले ना कि अगर उन्हें आपकी जरूरत नहीं है तो आपको भी परवाह नहीं है उनकी। अवश्य। और एक और बात। हाँ बोल। यही कि उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता है कि उन्हें नहीं पता कि हमें सब पता है, समझी? पता नहीं। अरे मोमो अकेले अकेले खा रही हो, मुझे भी तो खिलाओ। चल पुत्र प्लास्टिक। माँ जी मेरे लिए भी तो ऑरेंज ले ले। अरे कहाँ जा रही हो मोमो, ये तुम मेरे साथ सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे? सैटेलाइट लैटरिन नो कॉल कॉल लेटर। अलूमिया अलूमिया कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। महमूद साहब यार आपने मजीद बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? यार तुम्हारी माँ मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। लानत भेजे यार तुम्हारी माँ पे। नहीं ऐसी शादी पे, छोड़े माँ जी को। अरे तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है? उनकी परवाह है मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप उन्हें छोड़े। नबील वो मुझे इग्नोर कर रही है यार। महमूद साहब प्लीज यार मुझे डिस्टर्ब मत करें, आप देख नहीं रहे मैं अपनी प्यारी जी चांदी के साथ खेल रहा हूँ। तुम भी मुझे इग्नोर कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी चांदी चलो वो सुनाओ। आलू मियां कहां गए थे?